वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हममंसब ली चियांग से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी समेत इलाकाई और आलमी पेशरफ पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में सीपैक की तरक्की के लिए मुसलसल अज़्म और हिमायत का इजहार किया और सीपैक को अपग्रेड करके मजीद तआवुन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। दूसरी जानिब दोनों रहनुमाओं ने मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की, जिस दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी करवाई। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन ज़ाओ लीजी से मुलाकात। चेयरमैन ज़ाओ को चीनी सियासत और माशरे के लिए खदमात पर खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन ज़ाओ को नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सालाना इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद है। दोनों ममालिक के दरमियान मनफरद और खसूसी ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक एतमाद, मुश्तरका नजरियात और अमली तआवुन पर मबनी है। सी पैक के फेज टू के तहत पायदार तरक्की, खसूसी इक्तिसादी जोन, सनतों में तआवुन को तरजीह दी जाएगी। IT, कानों और मादनियात, ज़राअत और मुतबादल तवानाई के शोबों में तआवुन को तरजीह दी जाएगी। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास किसान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ट्यूबवेल की सोलराइजेशन और ड्रिप एरीगेशन सिस्टम का भी जायजा लिया गया। इजलास के दौरान काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज पंजाब किसान बैंक, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, हार्वेस्टर और ज़रई आलात के मकामी सतह पर तैयारी ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान किया गया। काश्तकारों के लिए CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी भी दी गई। मियां नवाज शरीफ की तजवीज़ पर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का पहला फेज एक साल में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में पहली मरतबा 400 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया जा रहा है। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को ज़रई मदाखल के अलावा दीगर मराहत और सहूलतें भी देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिर अहमद फराहत की बाजियाबी की पटिशन निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं, इदारे अपनी हदूद में काम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शाहिर अहमद फराहत की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ईमान मजारी एडवोकेट और सीनियर सहाफी हामिद मीर बतौर अदालती मावन अदालत में पेश हुए। वकील ईमान मजारी ने कहा कि मुजफ्फराबाद की अदालत से अहमद फराहत की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कोई नया मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ। पहले एक मुकदमा था, अब दो हो गए। लगता है कि हम यहाँ जितनी कार्रवाइयाँ बढ़ा रहे हैं उसकी ज़िंदगी अजाब हो रही है। अदालत ने मजीद कहा कि अब अहमद फरहाद जुडिशल कस्टडी में है, हम यहाँ जितना मर्जी केस चला लें, लेकिन एक बात है कि अहमद फरहाद कानूनी हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस के खाली नशस्तों पर तकरारी के मामले पर 3 नामों की मंजूरी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई। जुडिशल कमीशन ने 3 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का ऐलान किया जाएगा।
हुकूमत ने शहर शहर कायद के वासियों पर भी बिजली बम गिराते हुए कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से के इलेक्ट्रिक सार्फीन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के लिए बिजली 10 रुपए 1 पैसा फी यूनिट महंगी की गई। बिजली महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे फी यूनिट इजाफा वसूल किया जाएगा, अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे फी यूनिट, जबकि सेप्टेम्बर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। हुकूमत ने आवाम को एक और रिलीफ देने की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मतवक्के है। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में $5.14 की कमी होने से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। ज़राए ने बताया है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $89 फी बैरल की सतह पर आ गई है। इसी तरह आलमी मंडी में डीजल $4 की कमी के बाद $93.88 पर ट्रेड कर रहा है। IMF की तर्जुमान जॉली कोजक का कहना है कि होम ग्राउंड प्रोग्राम पर पाकिस्तान के नए इकदाम को सपोर्ट किया जा सकता है। तर्जुमान IMF जॉली कोजक ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ टॉप लेवल मुहिदे तक पहुंचने के लिए खातिरख्वाह पेशरफ हुई। ये गुफ्तगू अब भी वर्चुअल जारी है। IMF तर्जुमान के मुताबिक हाल ही में IMF स्टाफ 13 मई से 23 मई तक पाकिस्तान में था। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, सरमायाकार परेशानी का शिकार। आज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 72,237 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। याद रहे कि गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज मंदी का रुझान रहा था, जिसके बाद सरमायाकारों को अरबों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मुआशी माहरीन का कहना है कि मार्केट पर फरोख्त का दबाव है। पीटीआई से बातचीत तो चल रही है और इस बात से इनकार नहीं करते। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मैंने पहली बार ये सवाल नहीं सुना, आप पहली बार ये बात नहीं कर रहे, अगर कोई फैसला होता तो आप तक पहुंच चुका होता। JUI सरबराह का कहना था कि जब फैसले होंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा और फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवाज शरीफ जब मिलना चाहे कोई मसला नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने एहतराम की सियासत की, मुखालिफ को गाली नहीं दी लेकिन गालियां बर्दाश्त की हैं। पाकिस्तान 8वीं मरतबा UN सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान के हक में भारत समेत 182 ममालिक ने वोट दिया। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया, पानामा भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप की सीट जापान के पास थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वामे मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के रुकन के तौर पर इंतखाब पर मुसर्रत का इजहार किया और कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए हमारी कौम के अज़्म का सबूत है। हम आलमी चैलेंजेस को निमटने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आका खान को निशाने पाकिस्तान से नवाज दिया। ऐवानी सदर में प्रिंस रहीम आका खान को निशाने पाकिस्तान का एजाज देने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सैकड़ों अलग शख्सियात ने भी शिरकत की। सदर जरदारी ने प्रिंस रहीम आका खान को निशाने पाकिस्तान दिया। प्रिंस रहीम आका खान को नुमाया खदमात के एतराफ़ में एजाज से नवाजा गया। Thank you.
विफाकी बजट को अभी असेंबली में पेश करने की तारीख में तब्दीली। पार्लिमानी रहनुमाओं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के चीफ व्हिप्स के मुशावरती इजलास में बजट से मुतालिक अहम फैसले। मतवक्के शेड्यूल के मुताबिक विफाकी हुकूमत 2024-25 का बजट 12 जून को कौमी असेंबली में पेश करेगी। पाक बहरिया के जहाज PNS असलत की बहर हिंद ने जापान और स्पेन के बहरी जहाजों के साथ मशकें। PNS असलत की रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान जापान मैरीटाइम डिफेंस फोर्स के जहाज साजा नामी के साथ बहरी मशक। PNS असलत की स्पेन के बहरी जहाज SPS किनारस के साथ भी बहरी जंगी मशकें। मकसद खत्ते में मौजूद बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और बाहमी ताउन को बढ़ाना है। पाक बहरिया समुद्र में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखती है। पाक बहरिया का आलमी बहरी अफवाज के साथ मुश्तरका मशकों का इनेकाद इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अजम का मजहब है। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी तालीमी इदारे 10 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। वजारत तालीम वफाकी तालीमी इदारे 1 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर की जमानतों में तोसी कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सामिया 9 मई के 4 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद की जमानतों पर समाप्त हुई। ATC के जज अरशद जावेद के रुख्सत पर होने के बायस केस में पेशरफ ना हो सकी। अदालत ने जमानतों पर मजीद तोसी देते हुए समाप्त 12 जून तक मुलतवी कर दी। द्रौपदी मर्मू ने नरेंद्र मोदी को मरकज में हुकूमत साजी की पेशकश कर दी। BJP की जेर क्यादत सियासी जमातों के एतिहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से मोदी को पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किए जाने के बाद भारतीय सदर की जानिब से उन्हें हुकूमत साजी की पेशकश की गई। NDA एतिहाद BJP, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दिल और शिवसेना समेत दीगर जमातों पर मुश्तमिल है। NDA पास 543 नशस्तों की लोकसभा में 293 नशस्तें हैं। NDA इतिहाद ने आज सदर को अपने अरकान की फहरिस्त भी पेश की।